आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके पास डिस्कस कर रहे हैं डेटा सेंटर। हम आपको आज बताने वाले हैं कि एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा को किस तरह से आप भेजेंगे और किस तरह से हम एक के नीचे डेटा टाइप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि मेरे पास दो शीट है, पहला है हमारा डेटा, दूसरा है हमारा फॉर्म, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल है और यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। नेम, रोल एंड मार्क्स छोटा सा बनाया मैंने। तो मैं नेम यहाँ रोल के जगह पे मैं सिटी कर देता हूँ, सही नहीं लगेगा, सिटी और इसके जगह पे अमाउंट। और मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा जिस पे क्लिक करते हैं डेटा मेरा यहाँ चला जाएगा। सबसे पहले मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट होगा, फिर डेट, फिर टाइम, फिर नेम और फिर सिटी और फिर अमाउंट, समझ गए। तो हम विजुअलाइजेशन में चलिए इसके लिए प्रोग्राम करते हैं। मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट आर आर या सेंड के नाम से बोलता हूँ सेंड। तो मुझे डेटा उस यहां उठा के इसके अंदर आना है, उससे पहले मुझे डेटा शीट के अंदर में सीरियल नंबर जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे एक आईडी नाम का ले लेते हैं कि आईडी, और यहाँ पे करते हैं कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैथ्स, और इसके अंदर में देते हैं शीट, और शीट के अंदर में डेटा, और डेटा के अंदर में रेंज, और में ए से लेके ए तक। तो ये क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं मैथ्स का। मैथ्स फॉर्मूला में बोलेंगे कि भाई कॉलन ए का मैक्सिमम नंबर दो, और फिर हम उसमें आईडी के लिए प्लस वन कर देंगे। तो मेरा आईडी मतलब अभी मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ मेरा वन आईडी होगा, जैसे मैं वन डालूंगा तो इस कॉलम की मैक्सिमम सेल वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो वन प्लस वन इक्वल टू यहाँ आपका टू हो गया, और यहाँ पे टू हो जाएगा तो थ्री फोर, ऐसे मुझे सिक्वेंस नंबर मिलते रहेंगे। अब बात आती है, हमने यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला लगाया, बट इसमें मैंने दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैथ्स, क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जो फॉर्मूला डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट ना करे, जैसे कि लेन फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है, कैसे पता चला, नीचे एक्सप्रेशन आ गया, बट मैथ्स के अंदर में कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। और जब भी कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, समझ गया, क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट, ये जो है अपना रिजल्ट स्टोर कहां पे करेगा, ठीक है सर, स्टोर कहां पे करेगा, तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं, तो ऐसे ही मैं लिखता हूं यहां पे कि रेंज सीट होगा ना, हाँ, शीट्स डेटा डॉट एंड, नहीं डेटा एंड नहीं, वो रेंज होगा ना, डॉट रेंज ए वन एक्सल ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी। सर ये रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहा है,
किसको रिकॉर्डिंग अलाउ करना है? तो a1 0.value=1, ठीक है। ये क्या करेगा कि डेटा शीट पे जाएगा और इसके इसका मैक्सिमम वैल्यू को निकालेगा, इस मैक्सिमम वैल्यू में प्लस वन को निकालेगा, ठीक है। फिर हम यहां देंगे इसी को कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और यहां हो जाएगा जीरो और यहां हो जाएगा वन। दे देना और यहां पे हो जाएगा डेट। तो डेट क्या है? ये करेंट डेट शो करता है, इतना का फंक्शन नहीं है। अब यहां पे हमने क्या लगाया, माफ कीजिए, एक वन में होगा, ये होगा आपका A65000 और यहां भी होगा A65000। ये क्या करेगा, सबसे ऊपर वाला लाइन को समझिए क्या करेगा। सबसे ऊपर वाला लाइन क्या करेगा कि A65000 मतलब सबसे पहले वो A65000 पे जाएगा, कंट्रोल के साथ अप एक्सेस करके ऊपर आएगा। तो एक्सेस अप का काम ये है और उसे ये वन नहीं है तो यहाँ आएगा क्वेश्चन। और फिर ऑफसेट 1,0 हमने यहाँ लगाया, ऑफसेट 1,0 इसका काम क्या है कि जहां पे कर्सर रुका उससे एक रो नीचे आए, क्योंकि तो हमने यहाँ पे रो वन एंड जीरो कमा कर रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाए आईडी प्लस वन मतलब कि वन। अब नेक्स्ट टाइम मुझे डेट डालना है तो फिर वो नीचे 65,000 से ऊपर आएगा और इस बार मैंने लिखा हुआ है 0,1 कि रो जो है जीरो है, कॉलन हमारा वन हो जाएगा। तो ये पहले कॉलम में आके यहाँ वो डेट डाल। अब इसी कोड को हम यहां से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे टू कर देते हैं, यहाँ पे डेट टाइम। अब टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हमारे पास नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम देता है। ये आप एक्सेल में भी लगाते होंगे नाउ फॉर्मूला। मुझे इसमें सिर्फ टाइम को अलग करना है तो क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए, इसमें डी डी HH/MM/SS तो आपको टाइम अलग कर देगा। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला VBA को सपोर्ट नहीं करता है, तो टेक्स्ट के फॉर्मूले की जगह पे हमारे पास फॉर्मेट का फॉर्मूला है, सेम वर्क करता है, सेम तरीके से लगता है। और यहाँ पे HH/MM/SS टाइम में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने पेस्ट किया और यहां पे लिखा 3। अब 3 में हमारा फॉर्म का B1 को डेटा डालना है। यहां डेट के अंदर रेंज B1.val, ठीक है। अब बोलोगे सर आप इसके पास तो सारे सीड्स का इस्तेमाल किया, बट यहाँ सीड्स ले रखे हैं, बट यहाँ पे रेंज में सीड क्यों नहीं? इसके एक कारण ये है कि जब हम ट्रिगर करेंगे तो हम बटन थ्रू ट्रिगर करेंगे और बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म सीड पे आना पड़ेगा, इसलिए सीड का रेफरेंस देना जरूरी नहीं है, या फिर आप दे भी सकते हैं। फिर इसको कॉपी किया, पेस्ट करता हूं। अब 3 के जगह पे मैं यहाँ 4 देता हूं और B2 जो है 4। और सेम हम यहाँ पे करते हैं 5 एंड B8, तो डेटा भेज देगा। डेटा भेजने के बाद कंफर्मेशन आना चाहिए, उसके लिए MSG बॉक्स हमें लगाया और बोला यहाँ पे मैसेज देता हूँ कि
योर डेटा हैव सेव, बट एक खाली भी होना चाहिए। तो हम रेंज को मल्टी बताया था आपको कि रेंज ए बी वन कॉमा बी फोर कॉमा बी एट डॉट क्लियर। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं, मैं नाम यहां पर मान लीजिए रख देता हूं होम सिटी डैली और अमाउंट से हम डाल देते हैं। अब मैं एक बटन असाइन करता हूं यहां डेवलपर के इंसर्ट में, यहां आपका फॉर्म फॉर्म कंट्रोल बटन को असाइन किया तो कंट्रोल क्रिएट कर दिया आपसे असाइन माइक्रो होता है, तो सेट बुक माइक्रो को सिलेक्ट करके असाइन कर दिया बटन वन के जगह पे लिख कर मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा सेव योर डेटा हैज बीन सेव और एक क्लियर हो गया और डेटा में जाके देखिए डेटा अपने सही जगह पर फिल है। अब इस कोड को समझिए और कोई दिक्कत हो तो बोलिए कि हाँ दिक्कत। तो सर ये हर बार हमें क्लिक करना पड़ेगा अगर मेरे को एंटर हिट करना है तो क्या अगर मेरे को हर बार क्लिक करना पड़ेगा सर सेंड पे अगर मेरे को सिर्फ एंटर हिट करना है तो क्या समझे आपकी आवाज भी स्लो आ रही है क्या बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं डिलीट नहीं करना है तो फालतू का डेटा था इसे डिलीट किया ना। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरा एंट्री है योगेश और यहाँ पे सिटी में मैंने लिख दिया मान लीजिए इंदौर और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया तो अगली एंट्री जो है उसके नीचे होगी ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं डालू टीना सिटी डालू मैं यहाँ पे मान लीजिए नोएडा अमाउंट डालता हूं और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा ओके आया समझ में सर। ठीक है सर। सुजीत जी अगर ये डुप्लीकेट वैल्यू को हटाए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू पहले चेक करे बताएंगे 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 मैं थोड़ा सा एडवांस पूछ लेता हूँ मुझे लगता है। हाँ बताएंगे कंडीशन इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन अभी हम पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको ये बिल्कुल ओके है सबको ओके है एकदम क्लियर। सर अगर बीच में कोई वैल्यू ब्लैंक है सपोज मेरा अमाउंट फील्ड जो है वो ब्लैंक है बाकी दोनों फील्ड हैं वो ब्लैंक ही उठाए ये और इस अभी हमने कोई हमने आपको ऐसा लगता है कोड में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि डुप्लीकेट को या ब्लैंक को रीड करो कुछ ऐसा दिया नहीं है नहीं दिया है नहीं देगा या फिर जो कर रहा है वो करेगा रोकेगा नहीं। अगर आपको इसको बोलते हैं वैलिडेशन जैसे कि डुप्लीकेट नहीं लेना ब्लैंक नहीं लेना लेंथ नहीं लेना वो वैलिडेशन जब लगाएंगे तो वैलिडेशन के लिए हमें लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन वो आगे पड़ेंगे ठीक है ना। फिलहाल आपको हम डेटा ट्रांसफर बता रहे हैं कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है ठीक है। तो पहले नॉर्मल सीखिए उसके बाद हम एडवांस सीखेंगे ना। तो अगर मान लीजिए कि इसी डेटा को अगर किसी और फाइल पे भेजना होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक फाइल बनाता हूं डेटा का सेम डेटा नहीं बात और उसको रखता हूं मैं सेव करता हूं डी ड्राइव के 2018 के फोल्डर डी ड्राइव के नाम से
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं यहां पे फॉर्म आगे एक अब यहां पे एक दूसरा फॉर्म बनाएंगे फॉर्म टू। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा जो है जब मैं क्लिक करूं तो मेरा डेटा उस डेटा फाइल के अंदर सेव हो, तो कोड जो है सेम ही होंगे, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। चेंजिंग में सबसे पहले तो आपका वो फाइल ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां दिया वर्क बुक्स डॉट ओपन और वो फाइल का पाथ विथ एक्सटेंशन जहां पे वो फाइल हमारा सेव है डेटा डॉट एक्सएलएस एम स्लैश डेटा डॉट एक्सएलएस एम। उसके बाद जहां जहां हमने शीट का रेफरेंस दिया है वहां वहां मुझे वर्क बुक्स डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। डेटा डॉट एक्सएलएस एम और मैं यहां पे एक सेकंड रुकिए सर। तो फॉर्म फाइव के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना होगा कि यहां शीट्स है जहां जहां आपका डेटा का पार्ट हो वहां वहां आपको वर्कबुक लगाना पड़ेगा। ठीक है। और जहां जहां रेंज वाला पार्ट है वहां वहां में डेटा के जगह पे फॉर्म टू फॉर्म फाइव फॉर्म फाइव लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फाइलों का इंटरफेस है तो मुझे यहां पे कंप्लीट रेंज देना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म फाइव प्लस सीट भी देना पड़ेगा ना, शीट्स ठीक है। फॉर्म फाइव फॉर्म फाइव कौन सा? अच्छा हमने चलो भाई हमने यहाँ देखिए एक्सटेंशन भी गलत लिख दिया है, एक्सएलएस एम देना होता है आपको ना। ये फॉर्म टू यहाँ पे फॉर्म टू है ठीक है। और फिर यहां पे हम करेंगे बार और कौन सा बुक है तो ये है आपका डेटा डॉट एक्सएलएस एम डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि सेव करके क्लोज करना है, ठीक है सर। यहां भी हमको सही करना पड़ेगा एक्सएलएस हम होगा
जब तू होके आ जाती है तेरे ड्रामे कर गई। ठीक है, तो फॉर्म टू हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाता हूं और सेंड टू क्वेश्चन। अब एक नया नाम डालता हूं यहां पे, कविता, सिटी में डालता हूं पटना और अमाउंट डालता हूं 4200। अब मैं इसको सेव क्लिक करता हूं। अब कुछ गलती हो गई है, डेटा है स्टोर। तो देखा आपने, क्लोज हो गया। यहाँ डेटा पे जाके देखे तो आपको इसका दिख जाएगा कि हमने कविता पटना और दिल्ली से स्टोर कर दिया। ठीक है, एक बार करता हूं तब उसमें इफेक्ट दिख भी पाया सही से। तो यहाँ पे करता हूं मैं इंदर सिटी पुणे और 1500। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैसेज आया है ना, डेटा दिख रहा है ना पीछे। मैं चाहता हूं कि मेरा इफेक्ट ना दिखे, तो मैं सबसे ऊपर लगाता हूं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू, फॉल्स, सॉरी फॉल्स। अब क्या होगा जब हम अपने फॉर्म में एंट्री करेंगे, और सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकर में कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। और जैसे ओके कीजिए आपको दिख रहा है। ठीक है सर। सर वो नीचे स्क्रीन अपडेटिंग ट्रू भी तो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जो भी हमने सेटिंग चेंज किया, उसको ऑटोमेटिकली उसको फॉल्स किया, वो हमने सिर्फ इस माइक्रो के लिए किया हुआ है। बाकी नहीं, नहीं, बीच में जो ब्लैंक वो आती है ना, इस वो आएगी नहीं अगर हम ट्रू करें उसको, फॉल्स ट्रू कर देंगे तो। अगर हम नीचे ट्रू करेंगे ना उसे, तो बीच में जो ब्लैंक स्क्रीन आती है ना वो आएगी नहीं। ओके, करके देख लेते हैं, लेकिन जहां तक मेरा उम्मीद है कि नहीं, तो ब्लैंक स्क्रीन आती इसलिए क्योंकि मैसेज बॉक्स आ रहा है, और मैसेज बॉक्स किसी एक्टिव सीट पे आता है, और तत्काल एक्टिव सीट कौन सा है, वो है फॉर्म, ये है आपका डेटा एक्सेलेंस का डेटा की फाइल ओपन होती है वही एक्टिवेट होती है ना। तो आप चाहते हैं कि पीछे का ना आए, तो उसके लिए आपको यह है ही स्क्रीन अपडेटिंग। उसके लिए एक तरीका है कि यहाँ पे आप करते वर्क बुक्स और यहाँ पे दे दे आप फॉर्म 5.xlsm.activate। ठीक है, अब नहीं, अब जो पीछे ब्लैंक स्क्रीन आती है वो स्क्रीन नहीं आएगी। देखिए होम सिटी नोएडा स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ये सबसे ऊपर एक्टिवेट कर दिया ना आपने। सही तो है। अच्छा, ओपन करने के बाद वो ठीक है। हाँ, फॉर्म फाइव और ऐसा हुआ तो इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, विंडो
फॉर्म फाइव फाइल का नाम गलत है सर, फॉर्म फाइव होगा ना, ठीक है बाकी। आवाज नहीं आ रही सर, फॉर्म सॉरी सर ये हो गया था हमारा, फॉर्म रीस्टार्ट हो गया था। नहीं खड़ा देखिए, ठीक हो गया नहीं तो खड़ा पापा बाबा हमने जाएगा नहीं खड़ा, ठीक है। अब आप लोगों क्या करना है, एक तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्म बताया, अब ये फाइल में आप लोगों को मेल कर रहा हूं। अब आप लोग इस बेसिक फॉर्म को रेफरेंस में लेके एक अच्छा सा फॉर्म बनाए, क्योंकि एक ऑफिस में होता है जैसे कि आप कभी भी फॉर्म भरते हैं, पेन कार्ड का फॉर्म हो गया, राशन कार्ड का फॉर्म हो गया, बीएल का फॉर्म हो गया, या ऑनलाइन बहुत सारे Nokia.com का फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म आप बनाए और उसका डेटा सीट टू सीट एंड सीट टू फाइल में ट्रांसफर करें और करके मुझे आप मेल करें, फिर हम इस पे आपको कंडीशंस और बाकी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है सर? ओके सर। जी जी हाँ जी सर, बढ़िया एकदम। ये फॉर्म बना के अपन भेजेंगे सब लोग, बट प्लीज उसको चेक किया कीजिए ना, उसको चेक करके बताओगे क्या उसमें अच्छा है क्या गलत है, उसी फाइल पे इतना अच्छा हो सकता था। तो फाइल भेजेंगे, मैं उसी फाइल पे कंडीशंस पढ़ाऊंगा कि भाई ब्लैंक होगा तो नहीं जाएगा, डुप्लीकेट होगा तो नहीं जाएगा। ओके, मैंने ना सुजीत जी अभी मैंने पहले एक मतलब मेरा कुछ एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, तो मैंने कहीं से ये वाला कोड ढूंढ के NIT में एक फॉर्म बनाया था, अपन लोग बस वाले लोगों को ना परमिशन दिया करते थे ऐसे, तो वहां पे ना मेरा सिर्फ एक ही इशू था, मैं ये पूरा फॉर्म को ना एक PDF में सेव भी करता था जो उनको प्रिंट आउट निकाल के हम देते थे, तो वहां मेरा PDF जो है ना एक ही नाम से सेव होता था, मैं चाहता था हमेशा कि वो नए नंबर से या फिर उस एम्प्लॉई के एम्प्लॉई ID से सेव हो, वैसा नहीं कर पाया था मैं, तो वो अगली बार बताना मुझे, ठीक है? तो बता दूंगा, बड़ी चीज नहीं, सिंपल चीज है सर। मैं आपको वही वाला फॉर्म बना के भेजता हूँ, वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? ठीक, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसी पे डिस्कस करेंगे, उसी फॉर्म पे आप देखना, पहले हम एक छोटा सा सेशन रखेंगे कि सभी के फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है? चलो ठीक, ओके बाय, ओके बाय।